नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आए हुए हैं। आज योगी के दौरे का दूसरा दिन है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को पंचूर गांव में अपने घर भी पहुंचे थे। सीएम ने रात अपने घर पर ही बिताई। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी घर के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी 3, 4 और 5 उत्तराखंड में ही रहेंगे और 5 तारीख को हरिद्वार जाने की संभावना है। वहां पे वो एक विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित तो होंगे। उसके बाद वो 6 तारीख को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि अपने परिवार के कार्यक्रम में शामिल होने वो अपने पैतृक गाँव पहुंचे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरे पर रहने के साथ साथ उन्होंने कई कार्यों में, कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव गए और वहां से अपने घर तक पैदल गए हैं। वहां पर अपनी माँ से मुलाकात करी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, काफी लंबे समय बाद सीएम अपने घर गए हैं। जब कोरोना काल में उनके पिता की मृत्यु हुई थी, उस दौरान भी वो अपने घर नहीं जा पाए थे और अब 3 दिन के दौरे के दौरान सीएम योगी अपने घर गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, उत्तराखंड के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए और साथ ही साथ अपने घर भी गए हैं, तो काफी लंबे समय बाद घर गए हैं, किस तरह से देखते से? योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के लिए उत्तराखंड गए हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां आपने देखा कि कल उन्होंने महायोगी महंत अवैधनाथ के नाम से एक कॉलेज का शुभारंभ किया, साथ ही साथ उनके प्रतिमा का भी अनावरण किया। वहीं आपने देखा कि वो कल अपने घर गए, अपने घर के ठीक पहाड़ी क्षेत्र के पौड़ी एरिया में उनका घर है, तो वहां वो पैदल अपने घर पहुंचे और एक आयोजन में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ उनकी मां के साथ आशीर्वाद लेते हुए तस्वीर भी सामने आई। तो वहीं आपको बताया, आज दौरे का दूसरा दिन है, तो आज जो आज के दिन का अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कल जब अपने परिवार से मिल रहे तो मीडिया के सभी पत्रकारों को 1 किलोमीटर दूरी पर रोक दिया गया था, जिससे सूचनाएं कम आ रही थी। वहीं आज की बताएं तो आज मुख्यमंत्री दोपहर तक, माना ये जा रहा है कि दोपहर तक घर ही रहेंगे और परिवारजनों से मिलेंगे। साथ ही साथ अब तक मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के बाद वो हरिद्वार निकलेंगे और कल हरिद्वार में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आपको बताएं कि लगभग 21 सालों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें अलकनंदा गेस्ट हाउस था। अलकनंदा गेस्ट हाउस को उत्तराखंड को दिया गया है और उसके जस्ट बगल में जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई है, जहां पे एक आपके टूरिस्ट गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है कि जो भी उत्तर प्रदेश के अति विशिष्ट नागरिक जाएंगे तो उन्हें वहां रुकने का अवसर मिल सकेगा। तो इसी क्रम में कल उसका शुभारंभ करेंगे, जिस दौरान जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी समेत धन सिंह रावत एवं तमाम उत्तराखंड के नेता मौजूद रहेंगे। जैसे का जी कई कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं और कल एक गेस्ट हाउस का शुभारंभ भी करेंगे। अगर बात करें सीएम के दौरे की, तो काफी समय बाद गए हैं। हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहते सीएम योगी, अपने कार्यों के चलते वो अपने घर भी नहीं जा पाते, तो इस को किस तरह से देखते हैं विभांशु? क्योंकि एक सीएम की जो जिम्मेदारी होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, अपने घर से भी दूर रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी बेशक शिखा, अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो एक योगी है, जोगी जिन्हें माना ये जाता है कि उनका जग ही संसार है। मगर आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो उत्तराखंड गए थे मगर अपने परिवारजन से नहीं मिल पाए थे। उस दौरान उनकी माता जी की तरफ से कहा गया था कि मुझे मिलना है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के बाद जब परिवार का आयोजन हुआ तो उसमें शिरकत करने पहुंचे हुए। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री के तौर पे अगर देखें तो मैं वो दूसरी बार शपथ ले चुके हैं और विगत 5 सालों बाद अब परिवार से वो और अपनी माता जी से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखे तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा ही प्रदेश है
और इसमें अगर देखें तो योगी का जो खासकर अंदाज रहा है वो परिवार से हटकर और समाज के लिए ही काम किए हैं। समाज से देखा जाए, जब 1998 में वो पहली मर्तबा सांसद बने थे, तब से अगर देखा जाए तो परिवार से बहुत ही दूर तक नाता उन्होंने रखा है और आम जो जनता है उसके ही बीच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको तोड़ते हुए अपने परिवार से मिलने के लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो उनका परिवार है उनके अंदर कल खुशियों का लहर देखने को मिला, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा कि विजुअल्स में योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री चॉकलेट दे रहे हैं, जिसमें अपने परिवार के बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, साथ ही साथ उनके परिवार के लोग उनके फोटो खिंचा रहे हैं। वहीं आपने वहां देखा कि तमाम जो क्षेत्र के नागरिक हैं वो अपने कामों को छोड़कर और उनके तरफ से कहा जा रहा था कि महाराज का दर्शन करने आ रहे हैं, महाराज पधारे हैं। जी से कहा जी। अब विभांशु, बात करें सीएम के दौरे की तो 6 तारीख को अयोध्या के दौरे पर भी रहने वाले हैं, तो क्या उत्तराखंड से पहले लखनऊ आएंगे उसके बाद अयोध्या जाएंगे या फिर उत्तराखंड से सीधा अयोध्या ही पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ? जी, मुख्यमंत्री के उत्तराखंड के दौरे के बाद वो अपने सीएम आवास आएंगे, अपने आवास से फिर वो अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं आपको बताएं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य, जो निर्माण का कार्यक्रम है वो तेजी से चल रहा है, साथ ही साथ पत्थरों की कमी बताई गई थी कि पत्थर जहां से आ रहे हैं वहां गुणवत्ता में कमी है, तो इसको लेकर कुछ दिन काम रुका हुआ था, मगर फिर से अब जो लेयरिंग का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है राम जन्मभूमि का, तो उसी की निगरानी करने और जायजा लेने, साथ ही साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन करने योगी आदित्यनाथ 6 तारीख को अयोध्या जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो सीएम योगी अपने काम के साथ साथ अक्सर ही दौरों पर बने रहते हैं, अलग अलग जिलों का दौरा करते हैं और कई समय बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम योगी उत्तराखंड गए थे, लेकिन अपने परिवार से नहीं मिल पाए थे और अब वो अपने परिवार से मिलने उत्तराखंड गए हैं। और उसके बाद उनके दौरे की बात करी जाए तो 6 तारीख को वो अयोध्या दौरे पर रहेंगे, राम मंदिर के निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ अपने प्रदेश वापस लौटेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव की बेटी की पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में राजनीतिक रूप ले लिया है। वहीं इस बीच मृतक गुड़िया के पिता अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि 24 घंटे पहले से ही उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया है और जब तक उनकी बेटी के हत्यारों को जेल नहीं भेजा जाएगा वो अनशन पर ही रहेंगे। इस दौरान मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में जब ये मामला आया, उन्होंने एक बकायदा 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बना करके हम लोगों को यहाँ भेजा है और यहाँ की पूरी वो स्थिति जो है, जो सच्चाई है, हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बात किया है पीड़िता के पिता से, उनकी माता से, उनके परिवार से और एक रिपोर्ट बना करके जो है, हम अभी पुलिस का पक्ष भी लेंगे, हम कप्तान से भी मिलेंगे। हमें निर्देश है जो है कि उस दोनों पक्ष की चीज़ें सही तरीके से आनी चाहिए, तभी हम लोग जो है कप्तान से भी मिलेंगे, पीड़िता से भी मिलेंगे और मिल करके जो है अपनी एक रिपोर्ट बना करके नेतृत्व को प्रेषित करेंगे। हमारा कहना है कि जब तक दोषी जिनके ऊपर ये मुकदमा धारा लगी है वो जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक मैं अनुग्रहण नहीं करूँगा। मैं बेटी के बेगो मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए, जो दोषी दरोगा पाया गया है पहले उनको गिरफ्तार किया जाए तभी मैं अनुग्रहण करूँगा, नहीं बोला अपना आत्महत्या करूँगा, यही मेरा विचार है। और सरकार से भी मेरी उम्मीद है कि जो दोषी दरोगा उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मैं भूखे प्यासे कल से बैठा हूँ, अपनी आत्महत्या कर लूँगा बिना अनुग्रह के बैठे। और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं चंदौली से। अजीत, अगर इस बात करी जाए हत्याकांड की, तो सबसे पहले हम जानकारी चाहेंगे कि हत्या कैसे हुई बच्ची की? मैम, हम आपको बता दें कि पुलिस गई थी कन्हैया यादव के घर दबिश देने और उसी के उपरांत में उनके घर पर बेटियों, दो बेटी थी, जो बड़ी वाली बेटी थी उनको मारा पीटा गया। मारने पीटने के बाद उसको पंखे में लटका कर पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस महकमे अपना बचाव पूरी कर रही है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाहियां भी आ रही है पुलिस की और दबंगई भी कहीं कहीं आ रही है।
जिसके कारण से उदय प्रताप का निलंबित कर दिए गए इस समय, उदय प्रताप शहद राजा के, अभी उस पर जांच चल रहा है। और बड़ी बेटी की मृत्यु हो गई कन्हैया यादव की, बड़ी बेटी की, और छोटी बेटी जो है अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका भी हालात गंभीर बताया जा रहा है मैम। और वही हम आपको बात बताएं कि बातचीत करने पर कन्हैया यादव से पता चला कि वो भी अनशन पर हो गया, आमरण अनशन पर, जब तक 302 के मुजरिम को पकड़ा नहीं जाता तब तक वो आमरण अनशन पर रहेंगे। जी अजीत, अगर बात करें राजनीतिक रूप की तो किस तरह से ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है? मैम वही आपको बताते चले कि सभी राजनीति पार्टियां उनके घर आ रही है और आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगा तो हम भी आंदोलन करेंगे और आगे भी ले जाएंगे और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, उदय प्रताप को और ये सत्तों को, और जल्द से जल्द 302 के मुकदमा में उनको 4 सिपाहियों को जल्द से जल्द सजा दिया जाए इससे। जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल भी आया, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि जब से उनके जो कन्हैया यादव, उनको जब से न्याय नहीं मिल सकता है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, एसपी के भी हम लोग विज्ञापन देने जाएंगे, इस पे जल्द से जल्द सुनवाई हो, नहीं तो आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे। तो इस मामले में अब लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए हैं मृतका के पिता और दूसरी बेटी की हालत भी अभी गंभीर बताई जा रही है और मांग करी जा रही है कि जब तक हत्यारोपियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक अनशन पर ही रहेंगे मृतका के पिता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।